बच्चे ने ये कमेंट कर रहे थे भैया बारहवीं के लिए वीडियो नहीं आ रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएससी के कंप्यूटर साइंस को लेके। तो जितने सारे बच्चे हैं चाहे फ्रॉम साइंस चाहे फ्रॉम कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ये कंप्यूटर सब्जेक्ट जिसका जिसका है यार, ठीक है, वीडियो को एंड तक देखो। देखो यार लास्ट दो चार दिन बाकी है, ठीक है, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो बिफोर आईएससी ड्यूरिंग आईएससी देख रहे हो तो भी यार जो चीज हम बोलने वाले हैं इसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स, राइट। देखो यार एक बात सुनो, पेपर में यार प्रैक्टिकल सबका हो गया है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल के अंदर तुम क्या कोडिंग किए हो ना क्यों सिर्फ तुमको पता है, वो तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैं तुमको इतना पता है कि 70 मार्क्स का जो तुम्हारा थ्योरी पेपर है बेटा, ठीक है, 20 मार्क्स फ्रॉम पार्ट ए एंड 50 मार्क्स फ्रॉम पार्ट बी, इसके अंदर अगर तुम चाहो तो यू कैन स्कोर अ वेरी गुड नंबर इन दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड यार हम थोड़ा पेपर पैटर्न को थोड़ा बात करते हैं, इसके बाद हम मेनली हर एक क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे एंड कैसे प्रैक्टिस करनी है। एंड ऑफ द वीडियो तुमको समझ में आ जाएगा 70 out of 70 उठाना इस सब्जेक्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। 70 out of 70 उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने टाइम में मेरे को आउट ऑफ 70 69 नंबर मिला था। सिंपल सा बात यह है कि अगर हम बात करते हैं ना पार्ट की, तो पार्ट वन इज 20 मार्क्स, पार्ट टू इज 50 मार्क्स, इन साइड पार्ट टू वी हैव सेक्शन ए 20 मार्क्स, सेक्शन बी प्रोग्रामिंग 20 मार्क्स एंड लास्ट वी हैव सेक्शन सी ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है। अच्छा अगर थोड़ा डीपली यार इसको तुम सोचोगे तो तुम देख सकते हो कि यार 5 मार्क्स का एमसीक्यू भैया, 5 मार्क्स का थ्योरी, ठीक है, ये चीज करना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट उस बच्चे के लिए जिसका क्लास 10 में कंप्यूटर था, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज हमको बोलो तो यार, हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट इफ यू हैव कंप्यूटर, हाउ मच मार्क्स यू हैव गॉट इन योर प्री बोर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बिकॉज़ इस सब्जेक्ट के अंदर हर कोई बच्चा तो अच्छे नंबर स्कोर कर ही लेता है, राइट। अच्छा अगर हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि पार्ट 1 के अंदर आता है, इसके अंदर बेटा कुछ 10 क्वेश्चंस आ गए एंड 10 क्वेश्चंस करने लायक क्वेश्चंस होगा। ये तो 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये 10 क्वेश्चंस तुम्हारे घर में पहुंचवा दूंगा। अरे भैया कैसे कैसे देंगे यार, एक बार बात को वीडियो को एंटर देखो, ठीक है। देखो इनफिक्स नोटेशन 2 नंबर का, रो मेजर 2 नंबर का, ड्राई रन 2 नंबर का एंड एक्सप्रेशन 2 नंबर का, ठीक है, जो दो एक्सप्रेशन आने वाले, राइट। इनफिक्स नोटेशन के अंदर कुछ नहीं होगा, इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स जो है उसके लिए मैंने पूरा चार्ट समझा के रखे है यार, इस कोर्स के अंदर जाके देख सकते हो, फिर यूट्यूब के अंदर भी फ्री में अवेलेबल है, राइट, मैं करा देता हूं, राइट। नेक्स्ट आता है भैया रो मेजर के जो है इसका एक सम आता है, राइट, एक ही सम आएगा जिसके नंबर 2 रहेगा। मैं सबको एक चीज रिकमेंड करूंगा, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखो कि रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉलम मेजर का फॉर्मूला क्या होता है। गेटिंग माय पॉइंट, रो मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉलम मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव ड्राई रनिंग, बेटा इसको ना तुमको एक प्रोग्राम को दिया जाएगा, इसको तुमको रन करनी है, ठीक है, एंड 2 इसका आउटपुट रहेगा, मतलब 2 तुमको आइदर 2 आउटपुट क्या आउटपुट होने वाले हैं वो तुमको प्रेडिक्ट करनी है या फिर 2 आउटपुट हमको बनानी है, ये भी यार बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। लास्ट इज दैट की एक्सप्रेशन भी सेम है, एक प्रोग्राम दिया जाएगा उसको एक्सप्रेशन हमको बनाना है, ये सिंपल बात है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ इस पॉइंट से हमारे अंदर नहीं है, राइट। अगर हम बात करते हैं पार्ट 2 के अंदर, तो पार्ट 2 के अंदर हम देख सकते हैं, मतलब पार्ट 2 में जो सेक्शन है इसके अंदर जो पहले सेक्शन है 3 क्वेश्चन है, उसमें से यार 2 तुम तो इजीली बना सकते हो, कुछ पढ़ा भी नहीं करके, मैं जितना पढ़ा के रखे हैं कोर्स के अंदर इतना तुम करके जाओगे ना तुम बना सकते हो, बिकॉज एक आता है स्टोरी टेलिंग, दूसरा आता है केमैप, राइट। ये है स्टोरी टेलिंग वाला केमैप, दूसरा आता है एसओपी या फिर पीओएस वाला केमैप, ये दोनों बनाना लायक है। अब इसको अगर तुम बोलोगे भैया इसको एक बार केमैप को समझा दीजिए या फिर केमैप से कुछ क्वेश्चंस कुछ पीवाईक्यूज करवा दीजिए, तो मैं इस कोर्स के ऊपर आईसीसी आकाश टॉक्स ऐप एंड वेबसाइट के अंदर जो आईएससी कंप्यूटर सीरीज के कोर्स है उसके अंदर तुम्हें करा दूंगा। बट भैया थ्योरी के लिए हमको क्या करनी है बेटा, थ्योरी के लिए हमको पढ़नी है बेसिक्स ऑफ क्लास 10, राइट। हमको क्लास 10 के बेसिक्स पढ़नी है, हमको डेफिनेशंस करनी है एंड रो मेजर कॉलम में जैसे हमने पहले बोला इसको प्रैक्टिस करनी है, केमैप का पीवाईक्यूज, ये चार चीज करनी है। इतना तुम करोगे तुम्हारा तो आधा मार्क्स ऐसे ही आ जाएगा कंप्यूटर के ऊपर, राइट, बिकॉज केमैप भी बहुत ईजी है, स्टोरी टेलिंग अगर तुम एक बार सीख जाओगे, जो लोग सीख गया तो कर लेगा, ठीक है, जो लोग नहीं सीखा उसको मैं सिखाने वाला हूँ, ऑलरेडी मैं सिखाया था बहुत पहले, और एक बार बोलोगे मैं लाइव क्लास ले लूंगा ऐप के ऊपर इस कोर्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा जो क्लास 10 के जो कोर्सेज है, ठीक है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर पढ़ाते हैं, अगर जो बच्चा उसका भी बेसिक्स तुमको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है, बिकॉज फॉर द थ्योरी पर्पस और कुछ नहीं, ठीक है। अब जो लोग का कंप्यूटर नहीं है वो सोचेगा भैया 10वीं में कंप्यूटर नहीं था तो हम क्या करेंगे, ठीक है, मेरा एक दोस्त था जिसका कंप्यूटर नहीं था फिर भी वो अच्छे नंबर लेके आया था, बिकॉज थोड़ा थ्योरी पढ़ के एंड मोर इम्पोर्टेंटली यार बाकी सब तो यार तुमको अभी पढ़ना पड़ता है, राइट। चलो नेक्स्ट हम आते हैं यार प्रोग्रामिंग के ऊपर, भैया 3 प्रोग्राम आते हैं, रिकर्सिव टेक्निक बनाना ही बनाना है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी यार पीडीएफ देख रखे हैं, ठीक है,
डबल डायमेंशनल एरे एक आ सकते हैं, या फिर नंबर टाइप एरे, या फिर स्ट्रिंग टाइप, कोई भी, इसमें से तीन से कोई दो तुमको बनानी है। अब मेरा इधर पॉइंट रहेगा बेटा, रिकर्शन तो बनाना ही बनाना है, बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय रिकर्शन, इफ यू नो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो रिकर्शन में जो जितना टाइप्स ऑफ प्रोग्राम है वो सारा टाइप्स मैं करा दूंगा, वो सारा टाइप्स मैं करा के रखे मैं करा दिया हूं, और जो बाकी है उसका मैं पीडीएफ तुमको प्रोवाइड कर दूंगा, उससे पढ़ लो एक बार देख लो, सिर्फ ड्राई रनिंग सीख लो एक प्रोग्राम को, बिकॉज जो हम करवाएंगे उस फॉर्मेट के बाहर से एक भी क्वेश्चन तुमको आईएससी के अंदर मिलने नहीं वाले हैं, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। सेकंड बात क्या है भैया, डबल डायमेंशनल एरे, जिसको एरे में दिक्कत है वो छोड़ दो, जिसको एरे में दिक्कत नहीं है वो इसको पकड़ सकते हो, नहीं तो हमको और एक क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो है नंबर टाइप एरे या फिर स्ट्रिंग टाइप एरे। वी हैव टू डू एनी वन, लिसन, वी हैव टू डू एनी वन, आई विल गो फॉर नंबर टाइप एरे All will go for string type array, मतलब string type program, जो कि यार easy रहता है, बहुत easy रहता है, सिर्फ PYQs करते जाओ, ठीक है। तो इसी से हम 20 marks confirm कर रहे हैं, अगर कोई गलती हम नहीं करते हैं तो इधर से भी हम भैया 20 marks तो हम confirm कर ही लेंगे, because ये सब उतना hard नहीं है। अगर KMF से बोला जाए तो KMF से SOP sum of product या फिर product of sum, ये वाला part थोड़ा देख लो, story telling program करो, because encoder, decoder, multiplexer जो तुम्हारे syllabus के अंदर है, मैं बोलूंगा इसको तुम छोड़ के जा सकते हो, बिकॉज अगर कोई बच्चा इनकोडर अभी उतना नहीं है, मतलब जो लास्ट मोमेंट है बेटा, अभी उतना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना आप पढ़ोगे उसमें तुमको 65 तो इजी आ जाएगा, ठीक है। लास्ट है बेटा इनहेरिटेंस, ये बहुत इजी है, एंड कॉम्प्लेक्सिटी, अगर तुमको स्टैक में दिक्कत हो रहा है तो इनहेरिटेंसी कर लो एंड कॉम्प्लेक्सिटी कर लो, ये दोनों कर लो, ये दो टॉपिक तुम 5-5-10 मार्क्स इजीली उठा सकते हो, तो अभी यार डर किस बात। अब बेटा प्रोग्राम, मुझे प्रोग्राम बनाना नहीं आता है बेटा, इसके लिए मैं लाइव क्लास लेने वाला हूं इस ऐप के ऊपर, ठीक है, आकाश टॉक्स ऐप के ऊपर, एंड प्रैक्टिस भी इसके ऊपर करवाने वाला हूँ। इस कोर्स का यार प्राइस था मात्र 599, बट चलो तुम्हारे लिए यार 30-40-50-60% डिस्काउंट, चलो तुम्हारे लिए मिनट ओनली 299 फॉर आईएससी बच्चा, ठीक है, ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो यार और कोई डाउट है पूछ सकते हो, कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो, अगर तुम कोर्स के अंदर हो तो डायरेक्टली 1:1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। That's it for today. तब तक के लिए see ya. Have a very good time. सिर्फ 299 only for 20 बच्चों के लिए रहेगा, उसके बाद प्राइस हाई हो जाएगा। Go and have your or grab your course right now.